विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। डियर फ्रेंड्स, दीज आर डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंसेस। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो यदि आप इन सेंटेंसेस को केवल सुनते हैं या पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, तो आपको इस प्रकार से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो आज की जो वोकैबुलरी है, जो सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस जिनकी इंग्लिश में बता रहा हूँ, वो इस प्रकार से हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हर चीज़ मायने रखती है, मैं अपना वादा निभाऊंगा, क्या तेवर हैं, वह घंटों बातें करती है, यहाँ डकार मत लो, ऐसा सोचो भी मत, वह ऐसा आदमी नहीं है, उसकी दशा दयनीय है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सबको पता चल जाएगा, भाग्य को दोष मत दो, यह मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, एक बात तो पक्की है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे को कहता है कि तुम ऐसे हो, तो वो पलट करके जवाब देता है, कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम ऐसे होगे, या तुम इतने दानी हो, तुम किसी की डांट सह लेते हो, मैं नहीं सह पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो आई एम नॉट लाइक यू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक यू, आई एम नॉट लाइक यू। सेकेंड सेंटेंस लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मान लीजिए बहुत सारा वर्क है, आपने थोड़ा सा काम कर लिया और बोला कि मैं तो अपनी मेहनत में लगा रहा, तो कोई भी कह सकता है कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जो आपने थोड़ा सा भी किया है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसको बोलेंगे इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, हर चीज़ मायने रखती है, हर चीज़ मायने रखती है, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, कैसे लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, कैसे मित्र रखते हैं, हर चीज़ मायने रखती है। तो कहना है कि हर चीज़ मायने रखती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। फिर लिखा हुआ है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। कई बार लोग जब खुश होते हैं तो अपनी खुशी के समय पे लोगों को ऐसा बोल देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन जब उनको बात को पूरी करने की बात आती है तो लोग फिर वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यदि मैंने कहा है तो मैं वादा निभाऊंगा, यदि मैंने आपकी मदद करने के लिए कहा है, आपका कोई कार्य करने के लिए कहा है, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कीप माई प्रोमिस, आई विल कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा निभाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तेवर हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मन की ठान लेता है और जैसा कहता है और वैसे चलता है, यानी कि अपने उसूलों पे चलता है, उसने जो कहा, उसके जो नियम है, उसको करना ही करना है, तो ऐसी व्यक्ति को देख करके हर व्यक्ति बोलता है कि क्या तेवर है, तो उसको बोलेंगे व्हाट एन एटीट्यूड, व्हाट एन एटीट्यूड, एटीट्यूड, What an attitude, क्या तेवर है। Next लिखा है, वह घंटों बातें करती है। Dear friends, क्या होता है कि आजकल के जो ये WhatsApp और मोबाइल चले हुए हैं, तो जब लोग इसमें बातें करते हैं तो फिर बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि टाइम क्या हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बातों करता है, बहुत देर तक फोन में बात करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह घंटों बातें करती है, तो she talks for an hours, hours मतलब घंटे, और घंटे के पहले n लगाते हैं, तो she talks for an hours, वह घंटों बातें करती है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, यहाँ डकार मत मारो,
चेयर फ्रंट जब कभी हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं और तो हमारे मतलब डकार निकलती है, बहुत ज़्यादा पेट से आवाज़ें आती हैं, और यदि कहीं पे कोई बैठा हुआ है और सबके सामने यदि कोई वहाँ पे जोर से डकार मारता है तो वो थोड़ा सा बुरा फीलिंग होती है। तो आदमी यदि किसी ने सबके सामने ऐसे डकार मारी तो लोग कह सकते हैं कि हाँ डकार मारो, तो इसको बोलेंगे डोंट बर्प, डोंट बर्प हियर, डोंट बर्प हियर, यहाँ पे डकार मत मारो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा सोचो भी मत। कभी कभार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि सामने वाला कुछ भी नहीं समझता और हम अपनी होशियारी उसे कर सकते हैं या सामने वाले को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। तो यदि कोई किसी को ऐसा बेवकूफ बनाने की सोचता है तो सामने वाला कह सकता है कि ऐसा सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक सो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचो भी नहीं, वह ऐसा आदमी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बातें करता है, जबकि वो यदि बहुत ही ईमानदार है तो भी कहते हैं कि वह बेईमान है, ऑफिस में जाता है, काम नहीं करता है। तो हम यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है तो वह कह सकता है कि वह ऐसा आदमी नहीं है। तो इसको बोलेंगे ही इज नॉट such types of guys, he is not such types of guys, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। फिर लिखा है उसकी दशा दयनीय है, उसकी दशा यदि कोई भी व्यक्ति और उस पर दया करने लायक है और किसी किन्हीं कारणों से वो अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसकी कंडीशन देख करके हमारे मुंह से निकलता है कि उसकी दशा दयनीय है, तो बोलेंगे his condition is pathetic, मतलब दयनीय। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सपोज करिए कोई भी कंसिडरेशन चल रहा है, विचार परामर्श चल रहा है और यदि कोई व्यक्ति नाराज होता है कि आपने ऐसा बोला होगा इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, तो आपने यदि ऐसा कुछ नहीं बोला तो आप बोल सकते हैं मैंने कुछ, या आपने जो कुछ बोला उसको गलत समझ रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला इसको बोलेंगे I didn't speak anything wrong, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उसके बाद लिखा है सबको पता चल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो आज लोगों को नहीं पता है लेकिन कुछ समय बाद सबको पता चल जाएगा, यानी कि आप जो कुछ भी करो तो उसको सोच समझ करके करो क्योंकि सबको पता तो चल ही जाएगा। तो सबको पता चल जाएगा इसको बोलेंगे everyone will get to know, सबको पता चल जाएगा, everyone will get to know। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है भाग को दोष मत दो। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके अनुसार नहीं होता है तो हम तुरंत ये कहने लगते हैं कि हमारा तो भाग ही ऐसा है, लेकिन हमको कभी भी भाग को दोष नहीं देना चाहिए, वो जो कुछ भी हो सके वो हमको स्वयं करना चाहिए, करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिया है, सब कुछ पूरा शरीर दिया है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाग को दोष मत दो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ब्लेम फॉर्च्यून, भाग को दोष मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है यह मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ भी काम किया और जो काम था वो किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए किया, लेकिन यदि उसमें वो काम उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है तो पूरा दोष आप पे लोग देने लगते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हुआ लेकिन यह मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बोलेंगे दिस इज नॉट माई फॉल्ट
not my fault at all. At all मतलब होता है बिल्कुल भी. This is not my fault at all. तो इस प्रकार से कह सकते हैं. एक बात तो पक्की है. Next sentence है, एक बात तो पक्की है. तो कभी कभार क्या होता है कि जब कोई चीज बिल्कुल निश्चित होती है तो हम बोलते हैं कि एक बात तो पक्की है कि वह प्रोग्राम अटेंड करेगा, एक बात तो पक्की है कि वह यहाँ पे आएगा, एक बात तो पक्की है कि यदि उससे कुछ हेल्प मांगी जाए तो पूरा करेगा. इस प्रकार के हम डेली लाइफ में बोलते हैं. तो एक बात तो पक्की है, इसको बोलेंगे वन थिंग इज श्योर. वन थिंग इज श्योर. One thing is sure, he will attend the program. इस प्रकार से. और last sentence लिखा है कि मैंने कुछ नहीं कहा. यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है या किसी बात से खुश नहीं है, कोई पूछता है कि आपने से कुछ कहा इसलिए वह नाराज है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा. तो इसको बोलेंगे I didn't say anything. I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा. I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा. तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग हम यूज करते हैं. डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट सेंटेंस. ये बहुत ही रुचिकर और हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस हैं. इनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं. इसी प्रकार के वाक्य यूज होते हैं. तो इनको एक बार शुरू से देखते हैं. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. आई एम नॉट लाइक यू. आई एम नॉट लाइक यू. इसका कोई मतलब नहीं निकलता है. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. हर चीज मायने रखती है. एवरीथिंग मैटर्स. एवरीथिंग मैटर्स. मैं अपना वादा निभाऊंगा. आई विल कीप माई प्रोमिस. आई विल कीप माई प्रोमिस. क्या तेवर है. वाट एन एटीट्यूड. वाट एन एटीट्यूड. वह घंटों बातें करती है. सी टॉक्स फॉर एन आवर्स. सी टॉक्स फॉर एन आवर्स. यहाँ डकार मत मारो. डोंट बर्प हियर. डोंट बर्प हियर. ऐसा सोचो भी मत. डोंट इवन थिंक सो. डोंट इवन थिंक सो. वह ऐसा आदमी नहीं है. ही इज नॉट सच टाइप्स ऑफ गाइज. ही इज नॉट सच टाइप्स ऑफ गाइज. उसकी दशा दयनीय है. हिज कंडीशन इज पैथेटिक. हिज कंडीशन इज पैथेटिक. मैंने कुछ गलत नहीं बोला. आई डिडेंट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग. I didn't speak anything wrong. सबको पता चल जाएगा. Everyone will get to know. Everyone will get to know. भाग को दोष मत दो. Don't blame fortune. Don't blame fortune. यह मेरी गलती बिल्कुल नहीं है. This is not my fault at all. This is not my fault at all. एक बात तो पक्की है. One thing is sure. One thing is sure. मैंने कुछ नहीं कहा. आई डिडेंट से एनीथिंग. आई डिडेंट से एनीथिंग. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक करिए. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.